उपस्थित सर्व अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित शांतता कमिटीचे सर्व सदस्य मंडळाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष वाहनांची असावी, वाहनामधला चालक सुद्धा अत्यंत चांगला असावा, काळजी करणारा असावा आणि आपली व्यवस्थेची जी उंची असते सजावटीचं आपल्या रस्त्याची स्थिती लक्षात घेऊन अनेक ठिकाणी वायर सोडून दिली असणार आहेत, केबल्स वगैरे असतात तर ते थोडंसं ती लक्षात घेऊनच ती सजावटीचं नियोजन करा। कि जो शासन के कायदे हैं, जो रूल है, उसका आपको हमको सबको पालन करना है। क्योंकि कायदा जो है तो शासन की तरफ से आता है, अधिकारियों को तो उस कायदे का की भी देख रेख करना पड़ती है कि कायदे का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कायदे का पालन नहीं होता है तो ये उनकी अपनी जवाबदारी है। इसलिए आपने हमने अपन लोगों ने समझा कि इनकी जवाबदारी है कायदे के हिसाब से कायदे का सबने पालन करना। रहा सवाल, हम हर साल हर शांतता कमेटी की मीटिंग में ये बात बोलते हैं कि साहब ये कैसी धरती है जहाँ जहाँ पे दरगाहें हैं, मंदिर है और सभी हिंदू मुसलमान दोनों धर्म का ये केंद्र है खुदाबाद। यहाँ पे कभी कोई ऐसी घटना नहीं होती, कोई ऐसी बात नहीं होती कि हमारे दो समाज में किसी किस्म का तनाव या नाराजगी पैदा हो। हमेशा हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग मिलजुल के रहते हैं, हर त्यौहार में एक दूसरे के साथ रहते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं। कभी हम लोगों के पास ऐसी नाराजगी वाली बात हुई नहीं और वो बात अभी भी नहीं होगी। लेकिन मेरी एक विनती है आप लोगों से कि अगर यहाँ पे कुछ करने की गड़बड़ है तो ये बाहर से आके कर सकते हैं। हमारे लोग जो है तालुके के वो हिंदू मुसलमान इतना मिलजुल के रहते हैं कि किसी को नाराजगी नहीं थी और सब एक दूसरे के साथ त्यौहार में रहते हैं, सब उत्साह के साथ सारे त्यौहार मनाते हैं, चाहे रमज़ान की ईद हो, दीपावली हो, दशहरा हो या और जो भी ये जितने भी प्रोग्राम हैं हम सब लोग मिलकर मनाते हैं। इसलिए ऐसी कोई बात हमारे पास है नहीं, बस हम हमारी विनती यही है कि हार्दिक बधाई कि अपन आज या ठिकाणी कोरोनाच्या संकटातून वाचलो त्यामुळेच आज येथे हजर आहोत। त्यामुळे मी आपल्या सर्वांचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करतो, तसंच सर्वांचं पुढील आयुष्य सुखी समाधानाने जावो हे तथागत तथा ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो। मित्र, बऱ्याच वेळेपासून चर्चा चालू आहे, रामनवमी सणाला डॉक्टर आंबेडकरांची जयंती आली, हनुमान जयंती देखील आली आणि त्याला पाठोपाठ रमजानची ईद देखील आली। हे सर्व सण एकमेकाला लागून याचा जर पूर्व इतिहास पाहिला, फक्त आजचा विचार नका करू, याच्या मागची पार्श्वभूमी काय आहे, हे सण कशामुळे साजरे करतात, कशामुळे साजरे केले जातात याची पार्श्वभूमी फार मोठी आहे आणि ती सांगायला तर वेळ नाही। प्रत्येक समाज ज्याच्या त्याच्या परीनं जयंत्या, त्यांचे नेते, त्यांचे मानलेले दैवत यांच्या जयंत्या मानतात आणि ते योग्य आहे, त्यांना तो घटनेने दिलेला अधिकार आहे। या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगतो, 1971 जयंती उत्सव समितीचा अध्यक्ष या नात्याने मी आज येथे उभा आहे। 1971 खुलताबादचा पुतळा बसवला, त्यावेळेस फक्त एका बैलगाडीतून मिरवणूक काढलेली होती आम्ही, एका बैलगाडीतून, आणि ती बैलगाडी त्याला कोणत्याही प्रकारचं वाद्य नव्हतं, फक्त ती बैलगाडी सजवली, त्याच्यावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रतिमा, त्याच्याबरोबर
एक लाउडस्पीकर आणि भजनी मंडळी किंवा घोषणा देणारे हे गावामधून रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।